तो फिर ये है हमारे भाई मिस्टर यशु, ये हमारे सीनियर थे, ये कुछ बोलना चाहेंगे बोलो भाई। इधर तो इंजीनियरिंग खत्म हो रही, जॉब नहीं, और क्या इधर इंट्रो कर रहा तू। गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत मजे में होंगे। तो फिर आज हमारा डेली व्लॉग चैलेंज का आज है दूसरा दिन, और आज तारीख है 27 अप्रैल, सुबह के बजे है 8:39। तो फिर आज पहले तो हमारा लास्ट वाला प्रैक्टिकल है, हम उसके लिए जाएंगे। बट उससे पहले जो पेंडिंग इंजीनियर के लाइफ में उसकी पेंडिंग काम्स रहते, जैसे कि एज ए इंजीनियर आपको भी मतलब मेरी जैसी चीज़ें बाकी रहती होंगी, कुछ चीज़ें रहती जो हमने डिसाइड की रहती कि वो काम करने का है, कुछ कारणवश वो हम काम पूरा नहीं कर पाते। तो इस ब्लॉग में मैं यही करने जा रहा हूँ कि मेरी जो पेंडिंग जो काम बचे थे इस ब्लॉग में मैं पूरा करूंगा, और ब्लॉग कर रहा इसलिए मैं वो काम भी पूरा कर रहा, इसकी वजह से मतलब मैं ब्लॉग करते करते काम पूरा करूंगा, मतलब मेरा काम भी हो जाएगा ब्लॉग भी हो जाएगा, समझ जाएगा। इंजीनियर अपने कपड़े कितने दिनों के बाद धोता है? 5-6 दिन के बाद मेरे कपड़े धोता हूँ। शूज है वो साफ सफाई करने का है। ब्रदर्स तो फिर एज यूजुअल दिन की शुरुआत एक चाय के साथ विद हमारे कृष्णा भाऊ। कृष्णा भाऊ स्माइल प्लीज। और ये जो हमारे हर्षद भैया है वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, कल का मैंने जो वीडियो डाला था वो अभी वो वीडियो देख रहे, बड़े खुश हो रहे ना हर्षद भाई, अच्छा है ना वीडियो, एक नंबर वीडियो कॉलेज के। अरे आप तो आ गए ना भैया, भैया भी बोले बहुत अच्छी बात है बना रहे हो वीडियो। तो फिर अभी बज चुके हैं 9 और हमारा प्रैक्टिकल है 9 बजे, तो भी हमें जल्दी निकलना होगा कॉलेज के लिए फटाफट करके। तो फिर कॉलेज के नजदीक अभी आपका भाई पहुंच चुका है, और भाई से बोलने की बात यह है कि मुझे अब तो बड़ा टेंशन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि स्टडी भी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ कुछ नहीं हुआ है, पर फिर भी देखेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा कॉलेज है। अभी बच चुके हैं 11 और वी आर वेटिंग फॉर द आवर स्किल डेवलपमेंट ओरल। तो आई हैव जस्ट डन विद माय प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल बहुत ही बुरी कंडीशन हुई, पर अभी आ जाओ हमारे साथ। हमारे साथ ये जो भाई है, हम इनके छोटे भाई है, हमारे सीनियर है, इनका नाम आकाश महाले। भाई आपके चैनल के बारे में बताया जाए। Hey guys, this is आकाश महाले पाटिल। तो अभी ऊपर एक लिंक आएगी, उस लिंक पर ऊपर क्लिक कीजिएगा, और भाई की आवाज एक बार सुन लीजिए भाई, एक बार पेश करो थोड़ा छोटा सा डेमो। बजाओ तालियां, देखो क्या भाई का परफॉर्मेंस एक नंबर, एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू, जाते हैं अभी खाना खाके। बात तो जैसे आज हमारे सीनियर्स का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, तो फिर हमारे सभी भाई अभी आपने जो पिछले वाले सीन्स देखे वो उन्हीं से लेकर थे जो जिसने अब प्रोजेक्ट बनाया है। तो भाई आपका नाम योगेश चोपड़े, भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे।
थोड़ी सी नॉर्मल नाम तो फिर ये है हमारे भाई मिस्टर यशु, ये हमारे सीनियर से, ये कुछ बोलना चाहेंगे बोलो भाई। इधर तो इंजीनियरिंग खत्म हो रही, जॉब नहीं, और क्या इधर इंट्रो कर रहा तू। अभी बच चुके हैं 3, सब खत्म हो चुका है हमारा प्रैक्टिकल सेमिनार, सभी चीजें खत्म हो चुकी है, और प्लस अभी हमको निकलने का था पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो किसी कारणवश नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर टेम्परेचर कितना होगा भाई अभी? अभी होगा 40+ degree टेम्परेचर है ब्रो। ओके चल रहा है भाई, अभी अभी क्या सॉरी बोलने का, अभी अपने सब अब लोग है तो फिर दिस इज अवर सब्सक्राइबर भाऊ दादा सगळ्यात काय आमच्या साठी। तो भाऊ काही दोन शब्द बोला माझ्या चॅनल साठी। एकदम एक्सिलेंट, भारी चाललंय, बेस्ट ऑफ लक, पुढे पण असंच प्रोग्रेस करत राहा। ओके धन्यवाद भाऊ, नक्की नक्की अजून वाढव ग्रो हो, सब्सक्राइबर अजून वाढव। ओके धन्यवाद। अरे बाबरे मग तुम्ही काय करून राहिले यार, सबस्क्राईब मारा यार, लगेच जाऊन ते लाल बटनला सबस्क्राईब मारून द्या। धन्यवाद। बस आप समझ जाओ क्या हाल होते होंगे इस 40+ degree तापमान में। गाइस को भी बात कुछ ऐसी हुई, अभी बज चुके हैं 4 और प्लान कुछ ऐसे थे हमारे कि पूरा पुणे हम एक्सप्लोर करेंगे, शनिवार वाला जाएंगे, सब जगह घूमने का था, आपको सब दिखाने का था, बट किसी कारण वही है कि धूप ज्यादा है। अभी कितना टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर? 42 डिग्री तापमान। तो भी समझ जाओ यार क्या हाल होते होंगे, तो इसलिए थोड़ा लेट निकलेंगे। अभी वैभव का कुछ काम चालू है, वो काम करके निकलते हम। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज ये रायसर इंजीनियरिंग कॉलेज पर आप लोग पुणे में किसी कॉलेज है जॉब बेटर कम है चालू देवाची कृपा बाबा काय जे विल ते आता आता काय काय लोक कसे शिक्षक पोर काय काय लोक तवळकीच चालू आहे, आई वडिलांकडून पैसे मागवत आहेत 20-25 हजार बघतो ना मी भर भर माहिती असेल तुम्हाला। अरे हॉटेल मध्ये किती बियर बियर मटन बिटन खाल्लं, एक हात मे टॉर्च और दुसरे हात मे कॅमेरा पकडे हुए आपका दिसाज भाई बात करता हुआ। तो भी मेरी कुछ राय है अभी करंट सिचुएशन जो अपने अरे बाबा ने रिक्शा वाले अंकल ने बोली, तो एक बात बताना चाहूंगा जो बंदा जो स्टूडेंट रियल इंजीनियरिंग करता है, हाँ बहुत सारे इंजीनियर अभी भी मार्केट में है, बट जो अच्छी तरह से पढ़ाई करके जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता हो जो टैलेंटेड बंदा है वो उसके लिए तो अभी यार जॉब वगैरह सब उसके लिए अवेलेबल है, वैसी बात नहीं है। तो फिर जो भी मेरे इंजीनियर भाई है मतलब इस केस में मैं आता नहीं हूँ टैलेंटेड बंदों में से, तो इंजीनियर भाई लोग स्टडी करने का बहुत ज़्यादा स्टडी करने का, जॉब मिलेगी खुद किससे चल कर आएगी, बट डिमोटिवेट नहीं होने का। बाकी प्रॉब्लम इज दैट वी थिंक वी हैव द टाइम, आई हैव टू डू इट। मैं अभी निकल रहा हूँ नासिक के लिए, नासिक के लिए मेरी बस है आज रात 12 बजे। तो फिर जो भी मेरे नासिक के जो भी भाई है आप बोलो यार मिलने का, मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो फिर एक बार जरूर मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, और अभी प्रिपरेशन करते हैं नासिक की ट्रिप का। कैसे वैसे जैसे तैसे ऐसे हमारा ये वीडियो भी हो चुका है कंप्लीट। देख लीजिए अभी बजे है 9:11 और अभी हम पोस्ट करेंगे ये वीडियो। फिर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ये अगर अच्छा लगा होगा तो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।